सिटीजनशिप एक्ट 1955। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो हमें सिटीजनशिप है भारत की, जो नागरिकता है, वो हमें कैसे मिल सकती है और कैसे उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से नागरिकता दी जाती है उसको छीना भी जा सकता है, या खुद से भी उसको त्याग सकते हैं या उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। इफ़ यू आर न्यू ओवर हियर, सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। यहाँ पर बात की गई है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की, लॉस ऑफ सिटीजनशिप की। एक्विजिशन ऑफ सिटीजन जो शिप है उसमें बताया गया है कि जो भारत की नागरिकता है आप उसको किस तरह से ले सकते हो, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हो। वैसे ही जो लॉस है सिटीजनशिप का वो कैसे होगा, पहला है रिनन्सिएशन, आप खुद से ही त्याग देते हो। ठीक है, कि हमें चाहिए ही नहीं जो भारत की नागरिकता है क्योंकि आप किसी और देश में जाके बस गए और वहाँ की जो सिटीजनशिप है आपने वो ले ली। दूसरा है टर्मिनेट, ठीक है, और तीसरा है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन में क्या होता है कि आप मान के चलिए जिस भी देश की नागरिकता आपने ली है वहाँ किसी तरह का आपने फ्रॉड कर दिया, या उस कंट्री के लिए आप डिसलॉयल है, या उस कंट्री के जो भी एनिमी है आप उनसे कम्युनिकेशन में हैं, तो इस तरह से भी वो जो कंट्री है वो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको छीन सकती है। ओके, या फिर टर्मिनेट की जा सकती है। टर्मिनेट में क्या होता है, टर्मिनेट में होता है कि मान के चलिए आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, तो जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो खुद से ही जो आपकी नागरिकता है उसको ख़त्म कर देगा, उसको टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि उसको पता चलिए कि आप बाहर जाके किसी और देश के नागरिक बन गए हैं, तो इसीलिए आप भारत के जो नागरिक है वो नहीं बने रह सकते ऐसे। तो इसीलिए उस केस में जो आपकी सिटीजनशिप होती है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि बाय बर्थ आप इंडियन की जो इंडिया की सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, उसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है, डिसेंट से मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है, जो ब्लड रिलेशन होते हैं। मान के चलिए कि आप भले ही अभी आप अमेरिका में रह रहे हो, लेकिन आपके जो माता पिता हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका कभी रिलेशन इंडिया से रहा है, उनका जो बर्थ है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, तो उस केस पे आप जो भारत के नागरिक बन सकते हो। ठीक है, जो इंडिया की सिटीजनशिप है आप उसको ले सकते हो, खुद को रजिस्टर करवा सकते हो, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी आप भारत के नागरिक बन सकते हो, या किसी टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है भारत के द्वारा तो तब भी आप क्या बन जाओगे, ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। शिप बाय बर्थ, अब सबसे पहले देखेंगे हम कि बाय बर्थ के अकॉर्डिंग आपको भारत की जो नागरिकता है वो कैसे मिलेगी। बॉर्न इन इंडिया, जो आपका बॉर्न है वो इंडिया में होना चाहिए। यहाँ पर पहली कंडीशन बता रखी है क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है तो इसलिए हम सारी पढ़ेंगे। पहले क्या कंडीशन लगती थी, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में जिसका भी बॉर्न इंडिया में होता है, ठीक है, वो अपने आप ही इंडिया का सिटीजन के तौर पे काउंट होगा। यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, नहीं भी हुआ हो तब भी कोई बात नहीं, अगर उसका जन्म इसके बीच में हुआ है तो उसको काउंट कर लिया जाएगा एज अ इंडियन सिटीजन। ओके, फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच में जिसका बर्थ होता है इंडिया के अंदर, अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो कम से कम उसके किसी एक पेरेंट का जो बर्थ है वो कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन जो कुछ टाइम बाद अप्लाई होती है। थर्ड है यहाँ पर, 3 दिसंबर 2003 के बाद जिस भी बच्चे का जन्म होता है भारत में अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसके दोनों पेरेंट या एक पेरेंट भी चलेगा जिसका जो जन्म है वो भारत में हुआ हो, और साथ में उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई अगर एक पेरेंट क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि मान के चलिए जो मदर है वो तो इंडियन है लेकिन जो फादर है वो इंडियन ना होके वो कोई बाहर से है और ऊपर से वो इलीगल माइग्रेंट है। इलीगल माइग्रेंट कि किसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है या फिर उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, वो जितने टाइम के लिए भारत में रुकने के लिए आया था उसका वो जो टाइम है वो ओवर लिमिट हो चुका है, तो वो होता है इलीगल माइग्रेंट। ओके, तो इस कंडीशन में उसको जो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो नहीं मिल सकती। यहाँ तरह से सिटीजनशिप बाय बर्थ पूरी तरह से इस तरह से काम करता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ को याद रखना क्योंकि यही अप्लाई किया जाता है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय ब्लड रिलेशन आप कैसे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ले सकते हो। देखिए, मान के चलिए अगर यहाँ पर किसी कोई चाइल्ड है उसका जो बर्थ है वो भारत में ना होके कहीं बाहर हुआ है, ठीक है, किसी दूसरे फॉरेन स्टेट में उसका बर्थ हुआ है, अब वो चाहता है
कि उसको क्या मिल जाए, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए, या उसके जो पेरेंट है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को इंडिया की नागरिकता मिल जाए। तो यहाँ पर उनके लिए क्या रूल्स थे पहले, सबसे पहला 26 जनवरी 1950 के बीच में 10 दिसंबर 1992, अगर इस टाइम के बीच में किसी बच्चे का बर्थ होता है, बाहर होता है भले, तो उस केस में उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर उसके फादर इंडियन है तो, ठीक है, सिर्फ फादर, अगर मदर इंडियन है तो उसे नहीं मिलेगी। ओके, फिर 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में एक कानून फिर बदलता है, एक अमेंडमेंट की जाती है, 1992 में अमेंडमेंट की जाती है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है ना, इस चीज़ को कम करने के लिए, मतलब पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, कि अगर फादर है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा रही है, लेकिन अगर कोई लेडी है जो इंडिया से है, ठीक है, वुमेन है जो इंडिया से है, उसके बच्चे को नहीं दी जा रही है। तो इसीलिए इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट की गई, और जिसके चलते 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो भी अब किसी भी बर्थ का, वो किसी भी अगर चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उसका चाहे उसके जो फादर है चाहे वो इंडियन हो चाहे मदर इंडियन हो, दोनों ही केस में उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब बात करते हैं जो बिल्कुल अब जो रूल है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अब हम चल रहे हैं, 3 दिसंबर 2004। अब अगर इसके बाद किसी भी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ जो उसके पेरेंट्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, एक साल के अंदर, उस बच्चे के जन्म के एक साल के अंदर उस कंट्री की इंडियन कॉन्सुलेट में जाना होगा, ठीक है, और वहाँ उस चाइल्ड को रजिस्टर कराना होगा इस अंडरटेकिंग के साथ कि जो उनका बच्चा है वो किसी और देश की नागरिकता नहीं लेगा, वो उसे क्या रिप्रेजेंट, मतलब उसको वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो इस अंडरटेकिंग के साथ उन्हें अपने उस बच्चे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इंडिया में उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को श्योरिटी हो जाएगी कि ये बाहर किसी और देश की नागरिकता नहीं लेगा। तो इस केस में बाय डिसेंट जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो मिल सकती है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये अप्लाई होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पे। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं यहाँ पर आपके जो फॉरेन सिटीजन होते हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के जो लोग हैं उनको छोड़ के इस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में जो फॉरेन सिटीजन होते हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर तीन ये कंडीशन है कि कभी ना कभी उनके पास इंडिया का जो पासपोर्ट है वो रहा हो, ठीक है, वो खुद या उनके पेरेंट, उनके ग्रैंड पेरेंट या फिर ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, उनका जन्म, और वो परमानेंटली रेसिडेंट हो अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, मतलब जो जब तक देश नहीं बटा था उस जब तक वो यहाँ पर रह रहे थे, या फिर किसी ऐसे टेरिटरी में जिस पर बाद में भारत का कब्जा हो गया हो, तो इस तरह की वो मतलब एक जगह पे रह रहे हो, या फिर किसी भी इंडियन ने, स्पाउस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर मान के चलिए किसी इंडियन ने शादी कर ली बाहर किसी फॉरनर से, ठीक है, अब उसको चाहिए इंडिया की सिटीजनशिप, तो बाय रजिस्ट्रेशन उसे भारत की जो नागरिकता है वो मिल सकती है, लेकिन कम से कम उसको यहाँ पर 7 साल रहना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से कम 7 साल तक उन्हें पहले भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद जाकर उनको जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि किसके लिए अप्लाई है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये जितने भी मैंने यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम लिख रखे हैं ये लोग पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं आते हैं। ये यहाँ पर तीन मैंने आपको कंडीशन बता दी है, या तो उनके पास कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, या फिर वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहे हों, या किसी ऐसे टेरिटरी में जो बाद में भारत का पार्ट बन गया हो, या फिर किसी इंडियन ने बाहर किसी जो फॉरनर है उससे शादी कर ली हो, तो ये लोग बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक पूरी कंडीशन बताऊंगी, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे ये सब इनको बाय रजिस्ट्रेशन ये अपना जो हक है या भारत की जो नागरिकता है उसको कैसे लेंगे, यहाँ पर पूरा मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों कंडीशन लगती कैसे है। अब यहाँ पर हम पूरी स्टोरी से देखेंगे कि जो भारत की नागरिकता है वो रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलती है, ठीक है, कितनी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो है दो कपल की। फर्स्ट कपल है सी और डी और दूसरा कपल है ए और बी। इन्हें किसी काम के सिलसिले में इंडिया से अमेरिका जाना पड़ता है। ए बी को, सी और डी होते हैं, उनका चाइल्ड होता है एक्स, और जो ए बी है उनका चाइल्ड होता है वाई। अब ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनके बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप ना मिलके अमेरिका में रह रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अमेरिकन जो सिटीजनशिप है वो दिलवा दें। तो यहाँ पर वही होता है, जो सीडी होते हैं वो अपने बच्चे जो चाइल्ड एक्स होते हैं, चाइल्ड एक्स होता है, ठीक है ना, उसको अमेरिका की जो नागरिकता होती है वो दिलवा देते हैं, और सेम जो ए बी होता है वो भी ऐसा ही करता है। अब क्या होता है, जैसे ही ए बी का काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ए बी वापस से क्या सोचता है कि वापस से कहाँ चलता हूँ, इंडिया चलता हूँ, वो वापस से इंडिया आ जाता है।
अब यहाँ पर आने के बाद जब उसका जो बच्चा होता है चाइल्ड वाइफ जो होता है उसका चाइल्ड, वो जब 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसको पता चलता है वो तो भारत का नागरिक है ही नहीं, वो तो कहाँ का नागरिक है, वो तो अमेरिका का है। लेकिन अब वो क्या सोचता है कि नहीं, मुझे भारत का नागरिक बनना है, मुझे यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए। तो इसीलिए वो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ उसको ईजिली क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और यहाँ उसको जो नागरिकता है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इनके केस पे। अब यहाँ पर सी और डी और उनका जो ये बेबी होता है चाइल्ड एक्स, अब ये लोग क्या करते हैं, ये अमेरिका में ही बस जाते हैं, ये अपना मन नहीं करते, इनका मन नहीं मानता कि चलो भारत चलते हैं, इनको अमेरिका ही अच्छा लगता है और कहते हैं चलो यहीं बस जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, चाइल्ड एक्स और जो सी डी होते हैं सबके पास क्या होती है, अमेरिकन सिटीजनशिप होती है। जबकि ये चाहते दोनों सी डी बी और ए बी बी, तो ये चाइल्ड एक्स और चाइल्ड वाई को इनके होने के एक साल के अंदर ही इनको भारत की नागरिकता दिलवा सकते थे। वो नागरिकता कैसे मिलती है कि विद इन वन ईयर, ठीक है ना, बच्चे के पैदा होने के एक साल के अंदर ही आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी करंटली सिटी में आप रह रहे हो, सॉरी कंट्री में रह रहे हो, वहाँ के आप इंडियन कॉन्सुलेट में जाओ और अपने बच्चे को आपको क्या कराना है, रजिस्टर कराना है, ठीक है, एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, इस अंडरटेकिंग के साथ। लेकिन ये लोग नहीं कराते ऐसे, ठीक है, उनका तो काम बन गया, वो तो वापस चले गए इंडिया। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, सी और डी, इनको थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है, अब ये सोचते हैं कि वापस से कहाँ चलते हैं, इंडिया में चलते हैं, अपने लोगों के बीच में चलते हैं। अब यहाँ पर दो केस पे उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। मान के चलिए जो सी और डी है, अगर वो ओसीआई कार्ड होल्डर है, ठीक है ना, 5 साल से अगर हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स, तो उनको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो भारत में आएंगे और एक साल रहने के बाद वो क्या कर देंगे, वो रजिस्टर हो जाएंगे एज अ इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उनको भारत में आके 7 साल रहना पड़ेगा जब जाकर वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ओसीआई कार्ड है तो यहाँ पर आकर सिर्फ उन्हें 1 साल रहना पड़ेगा इंडिया में, और अगर ओसीआई कार्ड नहीं है तो पूरे 7 साल के बाद तब जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं जो भारत की नागरिकता है उसको लेने के लिए। तो आपको समझ आ गया, अब इनका तो दोनों का काम हो गया, सी और डी को तो मिल गया भारत की नागरिकता। अब इनके जो जेड है, इनके चाइल्ड की बात करते हैं, तो सेम कंडीशन चाइल्ड पर भी लगती है। अगर जो इनका चाइल्ड है जेड, अगर उसके पास भी ओसीआई कार्ड है तो उस पर भी सेम यही कंडीशन लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जेड है उसके लिए दो कंडीशन और है फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन अमेरिका, कि मान के चलिए जब वो अमेरिका में ही था, उसके जो पेरेंट्स थे चाहते तो वो उसको जब भी भारत की नागरिकता दिलवा सकते थे। किस केस में, कि जब वो सिर्फ 1 साल का था, उसी के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर, विद इन 1 ईयर वो क्या कर सकते थे, उसको इंडियन कॉन्सुलेट में जाके अपने उस चाइल्ड को, चाइल्ड जेड को इंडियन कॉन्सुलेट में जाके उसको रजिस्टर करवा सकते थे एज अ इंडियन सिटीजन। ठीक है, और इस अंडरटेकिंग के साथ कि वो किसी और देश की नागरिकता नहीं लेगा, तो यहाँ पर फिर उसको भारत में जो सिटीजनशिप है वो इजीली मिल जाती है। और सेम ये भी चाइल्ड वाइफ के लिए ये भी यही चीज कर सकते थे, लेकिन तब तो इन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका की जो सिटीजनशिप है वो दिला दी अपने बच्चों को। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि मान के चलिए 18 ईयर्स का हो गया, अब ये खुद चाहता है कि मैं भारत की जो नागरिकता है मैं उसको ले लूं। अब यहाँ पर इसके किसी भी पेरेंट का जो जन्म है, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का, मतलब कभी वो सिटीजन रहा हो या उसका बर्थ हुआ हो, तो उस केस पे ये क्या कर सकता है, भारत में आके 12 महीने रहने के बाद, 1 साल रहने के बाद इसको क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अगर से किसी भी जो पेरेंट है अगर वो कभी भी इंडिया का पार्ट रहे हो, जरूरी नहीं है कि अभी रहे हो, कभी पास्ट में कभी भी रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ उसको इजीली जो भारत की नागरिकता है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने बहुत सारे जो कंडीशन है वो पढ़ ली कि किस किस कंडीशन में जो इंडिया की सिटीजनशिप है बाय रजिस्ट्रेशन वो मिल सकती है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ये अब तक का सबसे सिंपल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहली बात है, आप किसी भी ऐसी कंट्री के सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए जहां पर इंडिया के खुद के सिटीजन को वहां पर सिटीजनशिप ना मिलती हो। ठीक है, तो नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग अ सिटीजन। ये मान के चलिए कि कोई ऐसे देश का यहाँ पर कोई ऐसे कंट्री से कोई आ गया है भारत की नागरिकता लेने के लिए, जिसकी खुद की कंट्री में जो इंडियंस है उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही है। ठीक है ना, मतलब वो नहीं दे रहे इंडियन को सिटीजनशिप, तो इसीलिए उस कंट्री के जो लोग हैं उनको भी भारत में आके भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक, रिनाउंस अदर सिटीजनशिप, उस सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी वो इंसान है उसको क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले कहीं और की अगर सिटीजनशिप उसके पास है किसी भी और दूसरे फॉरेन स्टेट की, तो उसको वो छोड़नी पड़ेगी, तभी आपको जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो मिल सकती है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए फाइल करने से पहले कम 1 साल तक आपको भारत में रहना है।
ठीक है, डिसाइडिंग इन इंडिया या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रहकर कोई आपको काम करना है। दूसरा है, जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो एक साल तो है, एक साल रहने के बाद तभी आप एप्लीकेशन फाइल कर पाओगे, लेकिन उस एक साल से पहले का जो आपका 14 साल का टाइम पीरियड है उसमें से कम 11 साल आप भारत में रहे हो, ठीक है, और आपने कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे कोई काम करा हो, चाहे आप इंडिया में ना रह के बाहर कहीं रह रहे हो लेकिन काम वो इंडिया के लिए कर रहे हो, तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा ये आपका 13-14 ईयर्स का एक टाइम पीरियड हो जाता है, तो वो 13-14 ईयर्स पूरा इंडिया में रहने के बाद फिर आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भारत के नागरिक बन जाओगे, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एक साल, ओके, और उससे पहले जो 14 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें कम से कम 11 साल तक आप भारत में रहे हो। तो ये सब कुछ पहले पहले की बात चल रही है, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वाले टाइम की बात नहीं चल रही है, उससे पहले वाले टाइम की बात चल रही है। उसके बाद है गुड कैरेक्टर, ओके, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। आपको भारत में जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस गिवन है उनमें से जो लैंग्वेज है किसी की आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप यहाँ पर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप भारत की नागरिकता ले रहे हो तो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि अब आप भारत के नागरिक ही बन के रहोगे और इंडिया में ही स्टे करोगे, ठीक है। तो इससे ही हमारी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसमें क्या होगा, अगर गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेती है तो वहां के लोगों को उसे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ जो सिटीजन हो गए उन्हें कोई अलग से किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो भारत की नागरिकता उनको खुद अपने आप कौन देगी, भारत सरकार देगी, ठीक है। तो इस तरह से होती है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, तो 3 तरीके से जो हमारी नागरिकता है वो हमसे ली जा सकती है या हम खुद से भी उसको रिनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहला है रिनंसिएशन। यहाँ पर क्या होगा, आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि आपको भारत की नागरिकता चाहिए ही नहीं, मतलब एक तरह से बोल दे तो कि आपने खुद ही त्याग दी। तो रिनंसिएशन में होता है मेक्स अ डिक्लेरेशन, ठीक है, कि आपने खुद ही से बोल दे कि आपको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। टर्मिनेशन में क्या होता है कि आप कहीं और गए, किसी और फॉरेन कंट्री गए और वहां पर आपने उस फॉरेन कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर लिया, तो यहाँ इंडिया में आपकी जो सिटीजनशिप है वो अपने आप ही जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टर्मिनेट कर देगी उसको, ठीक है। तो वॉलेंटरली एक्वायर अनदर सिटीजनशिप, क्योंकि जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ एक ही नागरिकता का हकदार है, वो उसे एक ही मिलेगी नागरिकता। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ की भी सिटीजनशिप को एक्वायर करके रखा हुआ है और किसी बाहर फॉरेन कंट्री को भी। तो यहाँ पर उस केस में आपकी जो सिटीजनशिप है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, उसको कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेप्रिवेशन में क्या है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो खुद से आपकी जो सिटीजनशिप होती है उसको टर्मिनेट कर देगा। किस केस में, अगर आप किसी तरह कोई फ्रॉड कर रहे हैं, आप डिसलॉयल है अपनी कंट्री को लेकर ही, कम्युनिकेटेड विद एनिमी, जो हमारे देश के दुश्मन है आप उन्हीं से बातचीत में हो, और मान के चलिए कि आपने भारत की जो नागरिकता है उसको एक्वायर करा है, हमने जितने भी पहले जो प्रोसेस पढ़े हैं उसके थ्रू बाय बर्थ बाय डिसेंट, और आपको 5 साल हुए नहीं, और उस 5 साल के अंदर ही आपने कोई ऐसा कांड कर दिया कि 2 साल की आपको जेल और हो गई, तो उस केस में भी जो गवर्नमेंट है वो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको हटा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताने की कोशिश करी है, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्यों हम जल्दी ही ये पॉलिटी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर मैं ये सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो सारा जो कॉन्टेंट है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। थैंक यू।